और सबसे पहले बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। यहां बदमाशों ने बिल्डर को गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि बिल्डर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। बिल्डर को कई गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बताया जा रहा है कि अमित नाम का कारोबारी मेरठ से अपने रिश्तेदारों के घर से गाजियाबाद लौट रहा था। कवि नगर थाना इलाके के संजय नगर इलाके में बदमाशों ने बिल्डर को गोली मारी है। ये बताया जा रहा है कि बदमाश पुलिस की वर्दी में थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त गाजियाबाद से। हमारे साथ यादराम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। यादराम, बिल्डर की स्थिति इस वक्त कैसी है और बदमाशों के बारे में क्या पता चला? क्योंकि हैरानी इस बात की है कि बताया जा रहा है कि वो पुलिस की वर्दी में थे। देखिए, इसमें अजीत दो चौंकाने वाली बात है। अमित जो है वो एक बिल्डर है जो कि अपने यहाँ एक कविनगर इलाके में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर आया हुआ था और तभी वहां पर बदमाश आया और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके दो लोगों को गोली मारी है, जिसमें अमित नाम के जो बिल्डर है उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन गोलियां दूसरे उसके जो रिश्तेदार थे सुरेश शर्मा उसको लगी है। फिलहाल उसका इलाज कविनगर इलाके में ही एक हॉस्पिटल में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बदमाश थे वो पुलिस की वर्दी में थे और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि AK-47 की जो गन है उसका इस्तेमाल किया गया है इस पूरी फायरिंग के दौरान। हालांकि जो पुलिस की जांच है अभी तक उसमें ये सामने आया है कि मन्नू नाम के एक शख्स ने कंकरखेड़ा में अमित को कुछ दिन पहले धमकी भी दी थी, तो कहीं ना कहीं उसी से जोड़कर इस पूरी घटना को देखा जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अमित नाम के बिल्डर को बदमाशों ने गोली मारी, पुलिस की वर्दी में थे और अमित की मौत हो गई है, जबकि उसके रिश्तेदार की हालत खराब है, गंभीर है। पुलिस इस तफ्तीश में लगी हुई है।